स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज मैट्रिसेस में हाउ टू मल्टीप्लाई सीखते हैं। अगर दो मैट्रिक्स दिया रहे, तीन मैट्रिक्स दिया रहे, तो उन्हें हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस और थ्री मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपका एक नंबर में है ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और बी में बच्चों 5, 0, -1, 6। ठीक है, ए का मान ये दिया है, बी का मान ये दिया है, तो आपको ए इंटू बी निकालना, मतलब ए गुना का मान क्या होगा, ए गुना बी का मान क्या होगा। देखिए कैसे दिया, 1, 3, 2, 4, 5, 0, -1, 6। तो यहाँ भी चार एलिमेंट है, यहाँ भी चार एलिमेंट है, यहाँ भी एक दो रो है, यहाँ भी एक दो रो है, एक दो कॉलम है, यहाँ भी दो कॉलम है। तो ये 2×2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 2×2, क्योंकि दो रो दो कॉलम इसमें भी है, दो रो दो कॉलम इसमें भी है, तो 2×2 मैट्रिक्स हो गया। ठीक बच्चों, अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए तब तो गुना पॉसिबल हो, नहीं तो गुना पॉसिबल नहीं है। ये रो एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, रो और कॉलम की संख्या बराबर है दोनों मैट्रिक्स में, इसलिए क्या होगा आपका गुना पॉसिबल है। गुना करिए तो ये 1 लिखिए पहले, ये 1×5 प्लस देना है, 3×-1 ये रो जाएगा तो ये कॉलम आएगा, 1 को 5 से, 3 को -1 से, हल्का सा गैप देना है, 1 को 0 से, 1×0, 3 को 6 से, प्लस 3×6, फिर सेकेंड रो को ये दोनों कॉलम से, 2 को 5 से, 2×5, 4 को -1 से, 4×-1, फिर 2 को 0 से, 2×0, 4 को 6 से, तो 4×6, बस यही गुना हो गया। 5 बन जा 5, 3 को -1 तो -3, 5 दूनी 10, 4 को -1 तो -4, 1 को 0 से 0, 3 को 6 से 18, 2 को 0 से 0, 4 को 6 से कितना हुआ 24। ध्यान दे बच्चों, 5 में चला गया 3, 2, 10 में चला गया 6, 4, 18 जोड़ 0 18, 24 जोड़ 0 क्या हुआ 24। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने दो रो और दो कॉलम के मैट्रिक्स को गुना करना सीख लिया। आप देखिए जिसमें तीन रो और तीन कॉलम रहे उसे हम कैसे गुना करते हैं, अच्छा से सीखिए गुना को, क्योंकि इसके आधार पर बहुत सारा सवाल बनेगा। ठीक है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन को बढ़िया सीखिए बच्चों। दोनों देखिए गौर से, ए इक्वल टू 1, 2, 3, 0, -1, 2, 2, 4, 1 एंड बी इक्वल टू 1, 0, 2, 1, 3, 4, 2, 0, 1, -1, 5, -2। ठीक है बच्चों, तो इसे ए इंटू बी निकालना है, क्या निकालना है ए गुना बी, क्या निकालना है आपको ए गुना बी। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे ए इंटू बी, देखिए मैट्रिक्स का आप चाहे तो ऐसा चौकोर ब्रैकेट दे सकते हैं। ठीक है, 1 को 1 से 1×1, ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3 गुना पॉसिबल है, 1 को 1 से हो गया, 0 को 2 से 0×2 प्लस 2 को -1 से 2 को -1 से 2×-1 हो गया बच्चों। फिर पहला रो से सेकंड कॉलम को 1 को 3 से तो 1×3 प्लस 0 को 0 से 0×0, 2 को 5 से 2×5 हो गया इतना। अब देखिए फिर इससे थर्ड वाला को 1 को 4 से 1×4, 0 को 1 से 0×1, 2 को -2 से तो 2×-2 हो गया बच्चों। ध्यान दीजिए, अब फिर सेकेंड रो से तीनों कॉलम को 2 को 1 से 2×1, -1 को 2 से, हाँ देखिएगा -1 को 2 से, यहाँ प्लस पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा 2 को 1 से -1 को 2 से, 4 को -1 से प्लस 4×-1 हो गया। अब फिर 2 को 3 से 2×3,
माइनस वन को जीरो से, माइनस वन को जीरो से, माइनस वन को जीरो से, फोर को फाइव से, प्लस फोर इंटू फाइव, फिर सेकंड वाला को थर्ड से, टू को फोर से, टू इंटू फोर प्लस, माइनस वन को माइनस, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं, टू को फोर से हो गया, माइनस वन को वन से, तो माइनस वन को वन से, ये आपका है माइनस वन को वन से, फोर को माइनस टू से, प्लस फोर इंटू माइनस टू, भूलिएगा नहीं, फोर को माइनस टू से हो गया। अब थर्ड वाला से तीनों को, थ्री को वन से, थ्री इंटू वन प्लस, टू को टू से, टू इंटू टू, वन को माइनस वन से, तो वन इंटू माइनस वन, थ्री को थ्री से, थ्री इंटू थ्री, टू को जीरो से, टू इंटू जीरो, वन को फाइव से, प्लस वन इंटू फाइव, ये फाइव है, फिर थ्री को फोर से, थ्री इंटू फोर, थ्री इंटू फोर, टू को वन से, प्लस टू इंटू वन, वन को माइनस टू से, वन इंटू माइनस टू, बस इतना ही करना है आपको, अब जो करना कर दिए, वन को वन से वन, टू को जीरो से जीरो, टू को माइनस वन से माइनस टू, वन को थ्री से थ्री, जीरो को जीरो से जीरो, टू को फाइव से टेन, वन को फोर से फोर, जीरो को वन से जीरो, टू को माइनस टू से माइनस टू, टू को वन से टू, टू को माइनस वन से माइनस वन, फोर को माइनस वन से माइनस फोर, टू को थ्री से सिक्स, माइनस वन को जीरो से जीरो, फोर को फाइव से ट्वेंटी, उसके बाद टू और टू फोर जा एट, माइनस वन है ये वाला, माइनस वन को वन से माइनस वन, टू को माइनस फोर को माइनस टू से माइनस एट, थ्री को वन से थ्री, टू को टू से फोर, वन को माइनस वन से माइनस वन, थ्री को थ्री से नाइन, टू को जीरो से जीरो, टू फाइव जा टेन हो गया, इस वाला पार्ट है, थ्री फोर जा ट्वेल्व, टू वन जा टू, वन को माइनस टू से माइनस टू, अब कितना होगा चलो जोड़ दीजिए खाली, वन माइनस टू माइनस वन, तीन जोड़ दस, ये तीन और दस जोड़ दीजिए कितना हो गया तेरह, चार चला गया दो, क्या बचा दो, उसके बाद दो में चला गया एक, तो एक बचा, एक बचा चार, दो में गया एक, तो एक हुआ, एक में चल जाएगा चार, तो जाएगा आपका माइनस तीन, छः और बीस कितना हो गया छब्बीस, आठ आठ कैंसिल हो गया क्या बचा माइनस एक, चार तीन सात, सात में चला गया एक छः, नौ और पाँच कितना हो गया चौदह, दो दो कैंसिल क्या बचा बारह, तो बच्चों आप लोगों ने इस प्रकार तीन रो और तीन कॉलम का गुना सीख लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए, गुना जब भी कीजिएगा आपको ये याद रखना है रो की गुना कॉलम से करना है, फिर से रिवाइज करते हैं, वन को वन से वन इंटू वन, जीरो को टू से जीरो इंटू टू, टू को माइनस वन से टू गुना माइनस वन, और फिर इसी से बीच वाला को वन को थ्री से वन थ्री, जीरो को जीरो से जीरो जीरो, टू को फाइव से टू इंटू फाइव, फिर इसी से थर्ड वाला को वन को फोर से वन फोर, जीरो को वन से जीरो वन, टू को माइनस टू से टू माइनस टू हो गया, जिस तरह से पहला रो से तीनों कॉलम को किए उसी प्रकार दूसरे रो से भी तीनों कॉलम को गुना करना है, टू को वन से टू वन, फिर यहाँ प्लस देना है बीच में, माइनस वन को जीरो से माइनस वन जीरो, फिर प्लस देना है बीच में, चार को माइनस वन से चार माइनस वन, हल्का सा बीच में गैप छोड़ देना जगह, टू को थ्री से टू इंटू थ्री, क्या दिए प्लस दिए, माइनस वन को जीरो से फिर माइनस वन जीरो, फिर प्लस देना है चार को पाँच से चार इंटू पाँच, फिर हल्का सा बीच में गैप होगा, टू को फोर से टू इंटू फोर, प्लस दे दीजिएगा, माइनस वन को वन से तो माइनस वन वन, फिर प्लस फोर को माइनस टू से फोर माइनस टू, समझ गया, थ्री को वन से थ्री वन, अब थर्ड वाला से तीनों को, थ्री को वन से थ्री वन, टू को टू से टू टू, पीछे क्या पड़ेगा प्लस, वन को माइनस वन से वन माइनस वन, ठीक है, फिर थ्री को थ्री से थ्री थ्री,
टू को जीरो से, टू जीरो प्लस देना नहीं, प्लस देना नहीं बोलिएगा, जीरो जीरो। वन को फाइव से, वन फाइव। फिर हल्का सा बीच में गैप होगा, थ्री को फोर से, थ्री फोर। टू को वन से, टू वन, बीच में क्या पड़ेगा प्लस। वन को माइनस टू से, वन इंटू माइनस टू। उसके बाद तो अब जो लिखा है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर देना है, आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपने क्या सीखा कि ये थ्री इंटू थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक सवाल और सीखते हैं। गुना को बढ़िया से सीखिएगा, क्योंकि प्लस और माइनस तो बहुत ही आसान है। आप देखिए एक सवाल और सीखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर तीन, मान लीजिए आपका ए में है टू फोर थ्री माइनस वन जीरो टू, ठीक है बच्चों, और बी में है वन फोर जीरो फाइव सिक्स माइनस वन, ठीक है। देखिए ये गुना पॉसिबल है कि नहीं, बहुत बच्चा सोचता है गुना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। हमने क्या क्या कहा था, रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। देखिए एक दो रो है, एक रो दो रो, पहला रो हुआ ये दो चार तीन पहला रो, सेकंड रो में कितना है आपका, सेकंड रो में आपका है माइनस वन जीरो टू, यानी कॉलम एक कॉलम दो कॉलम, तो यहाँ दो रो है और दो कॉलम है, कितना एलिमेंट इसमें है एक दो तीन, यहाँ भी एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, मिल गया। कॉलम और रो की संख्या यहाँ बराबर है तो गुना पॉसिबल है। गुना कीजिए, टू को क्या होगा वन से, टू इंटू वन प्लस, फोर को फोर से, फोर इंटू फोर, बीच में क्या पड़ेगा प्लस, थ्री को जीरो से प्लस थ्री इंटू जीरो। गौर कीजिए टू को वन से, टू इंटू वन, फोर को फोर से, फोर इंटू फोर, थ्री को जीरो से, थ्री इंटू जीरो, फिर टू, फिर पहला रो से सेकंड कॉलम को, टू को फाइव से, हल्का सा क्या देंगे टू इंटू फाइव प्लस, फोर को सिक्स से, फोर इंटू सिक्स भी प्लस, थ्री को माइनस वन से, थ्री इंटू माइनस वन, ब्रैकेट दे देना है। फिर माइनस वन को वन से, माइनस वन को वन से, फिर प्लस, जीरो को फोर से, जीरो इंटू फोर, टू को जीरो से, टू इंटू जीरो, माइनस वन को फाइव से, माइनस वन इंटू फाइव, जीरो को सिक्स से, जीरो इंटू सिक्स, जीरो को सिक्स से, फिर प्लस टू को वन से, टू इंटू माइनस वन। तो बच्चों इस प्रकार ये भी गुना लंबा हो गया, टू वन जा टू, फोर फोर जा सिक्सटीन, ये जीरो हो गया। वन को माइनस वन से, माइनस वन, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। पाँच दुनी दस, छः चौक चौबीस, तीन कम तीन। पाँच को माइनस एक से, माइनस पाँच, ये आपका हो गया जीरो। दो को माइनस एक से हो गया माइनस दो। ध्यान दीजिएगा सोलह को कितना हो गया अठारह, चौबीस और दस चौंतीस में चला गया तीन, तो हो गया आपका इकतीस। माइनस एक बचा यहाँ पर, माइनस दो, माइनस पाँच माइनस दो कितना हो गया माइनस सात। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने गुना को सीखा। चलिए एक सवाल और सीख लेते हैं, ताकि बहुत बच्चा प्राय गलती कर देता है। देखिए कैसे है, मान लीजिए आपका है ए इक्वल टू वन टू जीरो फोर, फाइंड ए स्क्वायर, है ना, फाइंड ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जैसे दिखता है बच्चा क्या करता है, वन का स्क्वायर वन कर दिया, टू का स्क्वायर फोर कर दिया, जीरो का स्क्वायर जीरो कर दिया, चार का स्क्वायर सोलह कर दिया। ये नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मतलब आपको करना है बच्चों ए इंटू ए करना है, ए इंटू ए करना है, बहुत ही आसान है। वन टू जीरो फोर, वन टू जीरो फोर। अब जैसे गुना किए थे दो रो और दो कॉलम वाला गुना कर दीजिए, आप डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। वन को वन से, वन प्लस, टू को जीरो से, देखिए वन वन जा वन प्लस देना है, टू को पढ़े जीरो बार, जीरो हो गया, हल्का सा क्या देंगे ऐसे ही डायरेक्ट दिए परीक्षा में। वन को टू से टू, वन को टू से टू प्लस देना है, दो को चार से आठ, एक को दो से दो हुआ, दो को चार से आठ हो गया। नहीं कर पाएगा तो जो पहला नंबर सवाल बताए थे वैसे लिख लिखे कीजिए, जीरो को एक से जीरो, जीरो का गुना एक से जीरो प्लस देना है, चार का गुना जीरो से क्या होगा जीरो होगा, जीरो गुना दो से जीरो होगा, चार का गुना चार से कितना हो गया सोलह हो गया। तो कितना हो गया एक जोड़ जीरो एक, आठ दो दस,
जीरो 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 सोलह जो कितना हो गया सोलह। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने ए स्क्वायर सीखा। ए क्यूब कहेगा अगर कहा था ए क्यूब तो करते हैं हम ए स्क्वायर इंटू ए। तो पहले ए स्क्वायर जितना उत्तर आता उसको यहाँ लिख लेते हैं और ए का मान ये था उससे गुना करते हैं। ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर जो मान निकला उसको यहाँ लिख लेते हैं इंटू ए फिर इससे गुना कर देते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों ने आज मैट्रिक्स का गुना सीख लिया। तो बच्चों आप आर एस अग्रवाल या एन सी आर टी से मैट्रिक्स चैप्टर निकालें और उसे मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर बनाइए। जहाँ नहीं बने मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल का नाम है विजय सर देवघर, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच गए। टिल देन गुड बाय बाय।